हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? नंबर वन में पढ़ा था जो भी है फिल्ट्रेशन पढ़ा है ना, फिल्ट्रेशन हो गया ठीक है। और फिर क्या हुआ नंबर टू में? नंबर टू क्या था? जो भी है इवापोरेशन हो गया है ना, इवापोरेशन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट इज नंबर थ्री में, नंबर थ्री में हम लोग पढ़े थे सब्लिमेशन है ना। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, बट हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया है तो मैं लिख रहा हूँ, सब्लिमेशन पढ़ लिया था ठीक है। नंबर फोर में और क्या पढ़े थे हम लोगों ने? क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था। और नंबर फाइव मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन। और भी कुछ था क्या? कौन सर, सा? सर सेपरेटिंग सेपरेटिंग फनल पढ़ा था, वेरी गुड है ना। याद है सभी को तो क्या क्या चीजें थी इस सब में? सेपरेटिंग फनल ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी आपके लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये छह टॉपिक जो था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी ठीक है। तो अब हम लोग अपना आगे का टॉपिक को बढ़ाते हुए है ना, नंबर सेवन है ना। सेवन इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है बेसिकली? ये एक तरह का सपोज दैट आप लोगों दूध से जो क्रीम निकालते हो है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? एक चीज देखो हो गया है ना कि गांवों में अक्सर ऐसा होता है ना, गांव में ऐसा होता है जिसमें कि कुछ जैसे कि जो मट्ठा होता है ना, जो दही होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह करके उसको रोटेट, कोई रोटर होता है उसे हम लोग इस तरह करके रोटेट करते हैं ना। तो क्या होता है जितना भी उसके जो चीज है क्रीम है ना, तो वो सब ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं ना। तो ये एक एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का ठीक है। और भी इसका यूज आता है जिसमें आपको ब्लड का जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए है ना, तो ये सब सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको भी सेपरेट करने में, ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करने में हम लोग का सेंट्रीफ्यूगेशन यूज आता है ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मींस व्हाट? कोई भी चीज सर्कुलर वे में घूम रहा है तो उस पे एक एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। अगर आप कोई चीज को, अगर आप खुद ही है ना राउंड सर्कल पे घूमोगे स्पीड से है ना, तो आपको लगेगा कि कोई आपको आगे की तरफ, बाहर की तरफ कोई ढकेल रहा है ना। तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही चीज का यहाँ पे यूटिलाइज करके हम लोग सर, चीजों को सेपरेट करते हैं। हाँ सर सर कौन सा चैप्टर क्या हो गया? सर, कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर है? नहीं आए थे क्या आप लोग? नो सर, ये चैप्टर है आपका इज बेटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर टू है ना। चलो सभी को वीडियो ऑफ कर लो ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स जो लेबोरेटरी में कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं उसको देखो, एक अपैरेटस होता है ना। एक सपोज दैट ये आपका टेबल स्टैंड है ना, ये टेबल है ठीक, ये सपोज दैट टेबल है ना? ये चीज देखो है ना, इस तरह का एक अपैरेटस होता है ना,
जिसमें ये एक ये टेबल है ना, ये आपका टेबल है ठीक है, और ये जो होता है ना हैंडल है ना, ये हैंडल है, इसको अगर रोटेट करोगे है ना, हैंडल है ठीक। अब देखो और क्या होता है कि यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लगे होते हैं ना, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लगे होते हैं ठीक है। एक्चुअली ये रहेगा तो सीधा ही है ना, टेस्ट ट्यूब जो रहेगा वो सीधा रहेगा, लेकिन जब हम लोग घुमाएंगे, जब आप लोग कुछ होता है ना कि कोई आप चीज आप खुद से एक्सपीरियंस कर लेना, अगर सपोज दैट ये वाला ये चीज जो है, ये चीज है ना, ये चीज ठीक है, अगर ये गोल गोल घूमे है ना, और यहाँ पे हम लोग दो अगर सपोज दैट दो टेस्ट ट्यूब लगा दिए हैं है ना, ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब है, इसे क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब है ठीक है। तो इसमें आपके ब्लड के कंपोनेंट्स रखे गए हैं ना, इसमें क्या है ब्लड है ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स है ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ब्लड ही रखा गया, ब्लड सैंपल, किसी का ब्लड सैंपल लिया कोई व्यक्ति का, वो रख दिया है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब को अटैच कर दिया इस एपरेटस से है ना, लटका दिया है ठीक है, उस लटका दिया उस बीम बैलेंस में। अब क्या कर दिया है, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं है ना, ये हैंडल से हम लोग इसको रोटेट करेंगे है ना, इस तरह करके रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करेंगे तो वो जो आपका एपरेटस है वो इस तरह से गोल गोल घूमेगा है ना, जब गोल गोल घूमेगा तो टेस्ट ट्यूब जाहिर सा बात है वो बाहर की तरफ इस तरह करके है ना स्प्रेड होके घूमेगा, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा इस तरह का, और क्या होगा कि उस जो ब्लड ब्लड है ना, जो ब्लड है उसमें क्या होगा फोर्स लगेगा बाहर की तरफ है ना, फोर्स क्या लगे वो सिंस वो भी ब्लड भी घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है उसके साथ ही, तो ब्लड को एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं है ना, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है, सेंट्रीफ्यूगेशन किसको कहते हैं ठीक है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल था, इस सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल था ये, इसका यूज करके हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ये जो ब्लड था तब इसको जब हमने इसको रोटेट किया है ना, तो ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं है ना, आरबीसी होते हैं है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है ना, डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये सब कंपोनेंट्स हैं, फिर प्लेटलेट्स होंगे ठीक है, तो इन सभी में ये प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट्स का स्पेलिंग गलत हो गया, ये है प्लेटलेट्स ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स है ना इसके, ये जो ब्लड है, ब्लड घूमेगा तो उससे क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसको बाहर की तरफ, जिसके वजह से उसके कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं आपका चीज दूध से जो मिल्क है, मिल्क से चीज अलग करने के, मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए है ना, ब्लड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, इस सब चीज में आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज आता है, क्लियर है ठीक है, यस सर। चलो नंबर 8, इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ ठीक है ना, स्टार्टिंग से नंबर 8 में है आपका डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन है ना, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिस्टिलेशन सपोज दैट कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं है ना, आपने क्या किया दो लिक्विड को मिक्स किया है और फिर चाहते हो कि इन दोनों लिक्विड्स को हम लोग फिर से अलग अलग कर दें ठीक है। सपोज दैट आपके पास कोई एक लिक्विड है, सपोज दैट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ है ना, एक कंटेनर लिया आपने है ना, उसमें दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया है ना, एक लिक्विड आपके पास है ए, सपोज दैट एक ए लिक्विड ए है ना, दो तरह का लिक्विड है इसमें ए और
तरह के लिक्विड्स हैं, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, डिफरेंस ऑफ है ना, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्टिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं, टू सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड, है ना। डिस्टिलेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सेपरेट, टू और मोर, टू और मोर मिसिबल मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, है ना। जब दो से ज्यादा लिक्विड्स आपस में मिसिबल है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन, प्रोवाइडेड कि उन लोगों का बीच का जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे, है ना, जो उन लोगों जो दो लिक्विड्स आपने मिक्स किया है उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, है ना, वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, है ना। अगर इससे कम हो गया तो हम लोग डिस्टिलेशन का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। सपोज दैट यू हैव अल्कोहल, है ना, सपोज आपके पास एक दो लिक्विड्स है, अल्कोहल, एक लिक्विड हो गया अल्कोहल प्लस दूसरा लिक्विड हो गया वाटर, ठीक है। एक लिक्विड आपके पास क्या है, अल्कोहल, और दूसरा लिक्विड है आपके पास वाटर, है ना। यहाँ पे देखो अल्कोहल का सपोज दैट की बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 70 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही है ना। तो अगर इस तरह का आपके पास मिक्सचर मौजूद है ना, इस तरह का, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ सर, 30 का, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस हम लोग ये डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि इसमें एक अपैरेटस होता है ना, अपैरेटस होता है जिसका इस तरह का होता है कुछ, देखो है ना, ड्राइंग बना दे रहा हूँ, रफ ड्राइंग बना रहा हूँ, आप लोग देख लो ना घर पे कैसा बना होता है। एक कंटेनर लिया हमने, है ना, कंटेनर लिया, इस तरह का, और एक क्या करते हैं हम लोग, एक इस पे डिलीवरी ट्यूब ले लेते हैं ना, इसमें क्या करते हैं अंदर से डिलीवरी ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। Thank you.
ये सिंपल ड्राइंग मैंने बना दिया, ठीक है। देखो अब होता है क्या, यहाँ पे हम लोग इसको फिर हीट भी करेंगे, ठीक है, यहाँ से हीट करेंगे इसको, ठीक है। ये हीट का सिंबल है, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग हीट करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा क्या है, एक अल्कोहल है ना, मिक्सर में क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर है, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक। यहाँ पे आपका अल्कोहल प्लस वाटर मिक्स है, ठीक है, ये मिक्सर है, ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन लिया, क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये मिक्सर होगा तो कम से कम ये धीरे धीरे जब हीट होगा तो इसका टेम्परेचर जो है, ये मिक्सर का है ना, इस टेम्परेचर का जो मिक्सर है ना, ये जो 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 हमने लिक्विड्स लिया है, दो लिक्विड्स लिए हैं, इनको जब हीट करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर इसका, 60 होगा, फिर 70 होगा, है ना, इसी तरह से बढ़ेगा ना, डायरेक्ट अचानक से 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं पहुंचेगा, स्टार्टिंग में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह करके जाएगा, है ना। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, है ना, 30 डिग्री आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, लेकिन जैसे ही 70 पहुंचा, है ना, जैसे ही आपका 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, है ना, तो जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, आपका क्या होगा, अल्कोहल बॉइल होने लगेगा, है ना, अल्कोहल क्या होगा, बॉइल होने लगेगा, है ना। तो जो बॉइल होगा तो फिर इवेपोरेट भी होगा, तो इवेपोरेट होता हुआ यहाँ से, है ना, ये आपका इधर से डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ, है कि नहीं, ये आपका यहाँ पे आके इसमें गिर जाएगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो अभी तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है टेम्परेचर जो है, अभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या, वाटर विल नॉट बॉइल, है ना, अभी सिर्फ अल्कोहल का टेम्परेचर आया है, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट आई है, तो अभी सिर्फ अल्कोहल बॉइल होगा और इवेपोरेट होगा, है ना, हीट करते जाओ, हट करते जाओ, जैसे उसका टेम्परेचर 80 आएगा, 90 आएगा, 100 आते आते, 100 से पहले ही, है ना, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला होगा, आपका अल्कोहल जितना भी था वो इवेपोरेट होके नेक्स्ट वाले कंटेनर में जा चुका होगा, बात समझ में आ रही है, है ना। तो जितना भी आपका अल्कोहल होगा वो अब इसमें आ जाएगा, है ना, अल्कोहल आ जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, है ना, इसलिए हम लोग डिस्टिलेशन का यूज किए, और डिस्टिलेशन से आपका क्या आ गया, सेपरेट हो गया, वाटर और अल्कोहल दोनों अलग अलग, है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस, जो मेन फैक्टर जो था इसका, है ना, डिस्टिलेशन को अप्लाई करने का, वो क्या था, कि बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, या तो 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तभी हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन में किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक, चलो तो इसका आप लोग प्रोसेस लिख लोगे ना, कैसे बताया जो जो आपके बुक में, हाँ ये आपका ड्राइंग देख लेना, आपका इसमें और अच्छे से दिया होगा, ठीक है, आपके बुक में, ठीक है। मैंने एक सिंपल सिंपलीफाइड डायग्राम बना दिया समझाने के लिए, ओके, चलो। यस सर। फ्रैक्शनल डिजिट नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, दैट इज 9 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टिलेशन, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, कुछ अरेंजमेंट इसके अलग हैं, है ना। तो क्या है वो डिफरेंस, क्या है ना, हम लोग इसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं दो लिक्विड्स या दो से ज्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, है ना, जो उसमें हमने लिया था, है ना, क्या लिया था कि दो अगर आपके पास लिक्विड्स हैं, है ना, अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी, है ना, मैंने उसमें क्या बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25-20 अगर रहा तो ही हम लेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करेंगे, कब करेंगे, जब व्हेन द डिफरेंस, व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस,
बात समझ में आ रही है? या तो जब क्या होगा, जब बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा जो दो लिक्विड्स है हमारा उनके बीच में, अगर बहुत ही कम डिफरेंस रहा बॉइलिंग पॉइंट्स का, है ना, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस रहा, तब हम लोग डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, हम लोग डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अगर डिफरेंस, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20-25 से ज्यादा है, तब हम लोग यूटिलाइज करेंगे किसका, डिस्टिलेशन का, सिंपल डिस्टिलेशन का, है ना। लेकिन जब अगर आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स 15 डिग्री सेल्सियस से कम है या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंस समझ में आ गया बात क्या होता है? Yes, sir. अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसा इसका होता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डिफरेंस कैसा होता है? देखो सेम है, उसी तरह का होगा, सेम टू सेम उसी तरह का अरेंजमेंट होता है इसमें भी, है ना। ये मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखेगा बुक में, है ना। मेरी ड्राइंग से तो अच्छी मिलेगी, है ना, ड्राइंग पे मत जाओ, बस कंसेप्ट समझने का बात करो, ठीक है। तो होता क्या है, देखो इसमें डिफरेंस कहाँ आया, है ना, इसमें सिर्फ एक ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, आप देख पा रहे होगे उसको, है ना। Yes, sir. कहाँ पे ये वाला चीज, या फिर ये चीज मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, है ना, बस यही तो डिफरेंस है, ठीक है नहीं। Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, एक ये ग्लास का बना होता है ना, ये सब ट्यूब है, ग्लास के बने होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस तरह के कॉलम्स बने होते हैं ना, ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं। तो होता क्या है कि गैस आपका कैसे कैसे पास करेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके पास करेगा ना इसमें, लेकिन अगर कुछ नहीं होता इसमें, है ना, तो गैस आपका क्या होता है, यहाँ से आता, अभी इसको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे आएगा, फिर इधर से आएगा, इधर से जाएगा, ऐसे करते हुए, है ना, इस तरह इस तरह इस तरह होते हुए फिर इसको जाना पड़ेगा इधर, है कि नहीं। तो अभी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे इसको रहना पड़ रहा है ना, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. सेम है, जैसे कि मान लो कि दो हमने दो लिया मिक्सचर, जिसका सपोज दैट एक लिया अल्कोहल, है ना, एक अल्कोहल है, है ना, और प्लस इसमें एसीटोन को मिक्स किया, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्कोहल और एसीटोन है, ठीक है, यहाँ पे सर एसीटोन क्या है? एसीटोन बेटा एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिस तरह अल्कोहल है एसीटोन आपका, पढ़ोगे ये सब चीज, अभी बताने की जरूरत नहीं है इसको, है ना, ये पढ़ोगे बाद में आप लोग, अभी नहीं, क्लास 10 में नहीं, बस जान लो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका अल्कोहल और एसीटोन, है ना, ये मिक्सचर है, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, रफली मैं बता रहा हूँ, है ना, इसके डेटा पे मत जाना, है ना, सपोज दैट इसका हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका मान लो हो गया 85 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस, है ना,
80 डिग्री सेल्सियस सपोज दैट, है ना। तो होता क्या है कि हम लोग फिर इसको यहाँ से हीट करेंगे एज यूजुअल, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं यहाँ से, इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होगा 40, 50, 60, जैसे ही 70 आएगा, है ना, जैसे ही 70 आएगा तो आपको पता है क्या होगा, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा, है ना, तो अल्कोहल रेज करेगा ऊपर, है ना, अल्कोहल रेज करेगा और इधर से ट्रेवल करता हुआ जाएगा, है ना। लेकिन 70 से 80 डिग्री सेल्सियस आने में, है ना, इस यहाँ से जो हीट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली तो हीट कर ही रहे ना, तो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बात समझ में आ रही है। हाँ, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इससे क्या होगा कि एसीटोन भी बॉयल होने लगेगा, है ना, एसीटोन भी बॉयल होने लगेगा। तो बोलोगे सर कि जब तो कुछ देर में ही तो दोनों बॉयल होने लग जा रहा है, तो फिर वो तो दोनों तो मिक्स होके आ जाएगा एक ही साथ, है ना, तो फिर हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे इसे। इसी के लिए तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको क्या बोला हमने, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, है ना। इसमें होता क्या है कि जो गैस हमारा स्टार्टिंग में जो अल्कोहल इवेपोरेट हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से जाता हुआ इधर से, है ना, होता हुआ, इसको बहुत टाइम लगा क्रॉस करने में, है ना, टाइम लग गया, और जब तक ये बॉयल हो रहा था, है ना, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा था ना, तो जो पहले ही बॉयल हो चुका है अल्कोहल उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो लगातार बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो एज कम्पेयर टू एसीटोन वो ज्यादा जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि एसीटोन तो जस्ट अभी बॉयल होना स्टार्ट हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, एसीटोन अभी फिर से पीछे से, पीछे से क्या होगा, जब तक आगे उधर जा रहा है आपका अल्कोहल तो पीछे से फिर एसीटोन भी आएगा, है ना, लेकिन एसीटोन का भी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है ना, वो अभी धीरे धीरे जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, क्यों, अभी अभी जस्ट उसने बॉयल होना स्टार्ट हुआ है, है ना, और जब तक 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब तक आपका जो अल्कोहल था वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई होगी, और वो बहुत स्पीडली आपका यहाँ से क्रॉस होता हुआ, है ना, क्रॉस होता हुआ इसमें आ चुका होगा, बात समझ में आ रही है। और अभी जो आपका बॉयल होना स्टार्ट हुआ है कौन, एसीटोन, एसीटोन वो अभी इसी कॉलम में होगा, बात समझ में आ रही है, इसी कॉलम में होगा, है ना, और फिर जब तक हम लोग बहुत देर तक इसको रहना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और तब तक वो वहां पे सेपरेट हो चुका होगा, और फिर हम लोग हीटिंग बंद कर देंगे। सर, यस, एसीटोन तो पहले से ही 80 डिग्री है। नहीं नहीं, एसीटोन का मैंने लिया है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस लिया है, ठीक है, तो हीट कर रहे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्कोहल, है ना, और इसके अंदर बचा रह जाएगा आपका एसीटोन, है ना, क्योंकि हम लोग फिर हीटिंग बंद कर देंगे तो फिर से एसीटोन वापस अपना यहीं पे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लियर है, डायग्राम देख लेना बुक में एक बार और रीड कर लेना, वीडियो भी भेज दूंगा वो भी देख लेना, ठीक है। यस सर, चलो नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 बहुत सिंपल सा समझो, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी होता क्या है, है ना, क्रोमा, इसमें वर्ड है आपका क्रोमा, क्रोमा मींस क्या होता है, कलर, है ना, तो जाहिर सा बात है क्रोमा है तो इसका मतलब इसका कुछ कलर से लेना देना होगा, है ना, तो जैसे कि आप कपड़ों में कलर होता है ना, बेडशीट का कलर होता है, या फिर एक कहो तो जिसमें कोई कपड़े पे रंग चढ़ाना हो, है ना, लाइनिंग करना हो, तो उसमें हम लोग क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल पे समझो, होता क्या है कि इस केस में, है ना, हमने एक सपोज दैट, यस
इस तरह का सोचो कंटेनर है एक, है ना, इसमें हमने वाटर ले लिया है, ठीक है, वाटर लिया है, ठीक है, और एक हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये है वाटर। आप लोगों ने डाई का नाम सुना, डाई? यस सर, है ना। तो डाई, डाई होता क्या है, डाई में कलर्स होते हैं ना, रेनबो के कलर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, एक क्या होता है, एक ही जगह पे सभी कलर्स मिक्स होते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होता है, डाई मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे, है ना, एक ही स्पॉट पे आपका इस तरह का, है कि नहीं, बहुत ही गाढ़ा, है कि नहीं, पूरा गाढ़ा टाइप का आपका एक डाई कहते हैं इसको, है ना। अगर एक ही जगह पे आपको स्पॉट दिख रहा है तो होता क्या है, हम लोग करते क्या है कि एक पेपर लेते हैं, है ना, एक पेपर लेते हैं जिसको पानी में डिप करते हैं, ठीक है, और ये डाई को, है ना, ये जो डाई हमने लिया है इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज दैट ये डाई लिया है हमने, यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाई का ले लेते हैं, ठीक है, एक ड्रॉप डाई का ले लिया, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ये है आपका डाई, ठीक है, ओके, ये डाई है आपका। फिर एक क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पे इस तरह का लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और फिर इस डाई को, है ना, ये जो पेपर लिया है हमने, ये पेपर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, है ना, हल्का सा नीचे पुश करेंगे, हल्का सा, है ना, सो दैट ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो पानी के लेवल में आ जाए, है ना, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो पानी के लेवल में आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पेपर आपका डिप होता है सपोज दैट, तो क्या होगा कि उस पर वो एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा, है ना, पानी तो अब्जॉर्ब होगा ना। अब देखो होगा क्या, समझो इस बात को, ये पेपर जो हमने लिया था, है ना, सपोज दैट ये, और ये लाइन है हमारे पास, है ना, लाइन लिया है, और ये कलर है हमारा यहाँ पे डाई, डाई कलर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे डाला तो क्या होगा कि वाटर विल राइज अपवर्ड, है ना, इस पे वाटर जो है ऊपर चढ़ेगा, है ना, होता है ना, आप देखोगे पेपर को आप डिप करोगे तो जहां पे आप पकड़े हो वहां तक आपका पानी आ जाता है, आप डिप पूरा किए भी नहीं हो लेकिन आ जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अब्सॉर्ब करता है, जो पेपर जो है वो पानी को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही पानी चढ़ेगा, है ना, पानी ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पे डाई को वो टच करेगा, है ना, तो डाई में क्या है, कलर्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, है ना, कौन कौन से कलर्स है उसमें, होगा रेड होगा, है ना, ग्रीन होगा, विबियो से कलर, विबियो के कलर होंगे, सारे विबियो के कलर होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सारे विबियो के कलर होंगे। तो इन सभी जो रेनबो, कलर ऑफ रेनबो जो है, इन सभी का कलर्स का सॉल्युबिलिटी, है ना, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है वाटर में, सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट, है ना, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, कोई ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, कोई देर से सॉल्युबल होगा, कोई बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, सपोज दैट, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक इस पेपर पे एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, सपोज दैट कि एक रेड का लाइन बन गया, है ना, उसके बाद सपोज दैट कि ब्लू हमारा सॉल्युबल है नेक्स्ट, तो ब्लू का एक लाइन बन जाएगा, है ना, फिर सपोज दैट कि आपका ग्रीन, है ना, ग्रीन सॉल्युबल है उसके बाद, तो ग्रीन का एक लाइन बन गया, है ना। तो इस तरह का कलर्स आपका सेपरेट हो जाता है, ब्लू का लाइन अलग हो जाएगा, ब्लू का फिर आपका इस तरह का ब्लू लाइन बन जाएगा, फिर रेड है तो रेड बन जाएगा, इस तरह से अलग अलग जगह पे, है ना, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, जिस जैसा सॉल्युबल होगा वैसा ही वो अपना कलर छोड़ देगा उस पर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो डाई का कॉम्पोनेंट जो है उसको अलग कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है।
इसमें जो आपका फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो वो यूज हुई वो क्या थी, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट कलर्स के सॉलिबिलिटी जो होते हैं वो वाटर में अलग अलग होते हैं, है ना। तो जो ज्यादा सॉलिबल होगा वो जल्दी एक बैंड फॉर्म करेगा कलर का, फिर उसके बाद जो सॉलिबल होगा वो एक दूसरा बैंड फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद जो होगा वो तीसरा बैंड फॉर्म करेगा, इसी तरह से बैंड फॉर्म करता होगा आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही, है ना।